गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे के सारे साथियों को नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हो सब के सब? बहुत अच्छे हो ना? और अपनी पढ़ाई भी क्या है, अच्छे से कर रहे हो? तो स्वागत है एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना जो कम्युनिटी का जो 6th यूनिट है, उसका अपना टॉपिक है क्लिनिकल सेटिंग। क्या नाम है? क्लिनिक सेटिंग। क्या? क्लिनिक सेटिंग, यानी कि किस किस टाइप के क्लिनिक होते हैं। ठीक है, तो क्लिनिक सेटिंग के अंदर अपन देखते हैं, क्लिनिक सेटिंग इज ए प्लेस वेयर फैमिली मेंबर्स कम टू सीक मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एज डिजायर्ड बाय देम फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम इंक्लूडिंग फिजिकल फिजिशियन स्टैंड हियर। क्लिनिकल सेटिंग, क्लिनिक सेटिंग क्या होती है कि क्लिनिक सेटिंग एक ऐसा प्लेस होता है, वहां पे क्या मूवी दिखाई जाती है? मूवी दिखाई नहीं जाती है, यानी कि क्लिनिक सेटिंग एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक फैमिली हो गई या फिर एक फैमिली के मेंबर क्या करते हैं, वहां पे आते हैं। किसके लिए आते हैं, क्यों आते हैं भाई? हेल्थ केयर, मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए आते हैं। किसके लिए? मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एज डिजायर्ड बाई देम फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी कि जो हेल्थ केयर मेंबर्स की जो टीम होती है उनके द्वारा क्या है, वो मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेने के लिए आते हैं, और इंक्लूडिंग फिजिशियन स्टैंड हियर, और वहाँ पे फिजिशियन भी रहता है। क्या होती है क्लिनिक सेटिंग? क्लिनिक सेटिंग एक वो, आप ऐसे बोल देना, क्लिनिक सेटिंग एक वो जगह है, एक वो प्लेस है, वहां पे क्या रहते हैं, वहां पे क्या है, जो हेल्थ केयर टीम होती है ना उनके पास में लोग आते हैं। किसके लिए? मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज ठीक, यानी कि पाने के लिए। उसके बाद में क्या है, क्लिनिक आर अरेंज्ड एट द फॉलोइंग लोकेशंस। क्लिनिक जो होते हैं वो फॉलोइंग लोकेशंस, अपन ने पढ़ा था ना एक ऐसा प्लेस, तो वो कौन कौन से प्लेस है कि कौन कौन सी जगह पे क्लिनिक होते हैं, तो कौन कौन सी जगह पे होते हैं? सब सेंटर पे एक सब सेंटर आपका एक क्लिनिक होता है, क्या आप सब जानते हो? जैसे सब सेंटर हो गया, सब सेंटर जिसको आप उप स्वास्थ्य केंद्र बोलते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो गया, जैसे आपका PHC जैसे हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, स्लम्स हो गए, MCH एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर हो गए, आपकी स्कूल्स हो गए, फेयर प्लेसेज एटसेट्रा। यानी कि कौन कौन सी जगह पे क्लिनिक हो सकते हैं? आपका सब सेंटर एक क्लिनिक होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC, CHC, हॉस्पिटल, स्लम्स, MCH एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर, स्कूल्स एंड फेयर प्लेसेस। तो क्लिनिक सेटिंग एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे फैमिली मेंबर आते हैं, किसके लिए? मेडिकल केयर एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, एज डिजायर्ड बाय देम मेंबर्स ऑफ, जो वहाँ पे हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद में क्या है, रीजन्स फॉर क्लिनिक। क्या? रीजन्स फॉर क्लिनिक। भाई क्यों जरूरत पड़ गई आपको क्लिनिक बनाने की, क्यों जरूरत पड़ गई? रीजन्स फॉर क्लिनिक का मतलब जो क्लिनिक जो होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ गई है, क्लिनिक की जरूरत क्यों है, तो रीजन क्या होता है क्लिनिक के पीछे? टू ऑफर केयर फॉर पीपुल फेल्ट नीड। टू ऑफर केयर, ऑफर केयर यानी कि उनको केयर देना, कब? फॉर पीपुल्स फेल्ट नीड, जब पीपुल्स को जरूरत पड़ती है ना, जब उनको फील होता है, जब उनको जरूरत फील होती है कि यार मेरे को थोड़ा बुखार सा है, मेरे को दिखाना जाने पड़ेगा, जब उसको उनको जरूरत फील होती है ना, तब उनको क्या है, केयर देने के लिए जरूरी होता है क्लिनिक। तो क्या, लोगों को केयर देने के लिए जब वो क्या जरूरत महसूस करे इस चीज के बारे में, तो एक तो लोगों को केयर देने के लिए जब वो नीड को फील करे, दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड केयर फॉर एक्चुअल नीड्स ऑफ पीपुल, यानी कि जो पीपुल्स होते हैं उनकी एक्चुअल नीड क्या होती है। एक तो जब किसी इंसान को जरूरत महसूस हो कि मेरे को केयर चाहिए, तब उनको केयर दे सके अपन। दूसरा क्या है, उनकी जो नीड्स जो है वो पीपुल्स की, उनके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, केयर दे सकते हैं। उसके बाद में आपका है टाइप्स ऑफ क्लिनिक। क्या है? टाइप्स
साइटोपिक क्लिनिक, जो आपका क्लिनिक्स होता है, क्लिनिक जो होता है उसके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप का, कितने प्रकार का क्लिनिक होता है, क्या देख रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ क्लिनिक। सबसे पहले आपका होता है जनरल क्लिनिक, कौन सा क्लिनिक, जनरल क्लिनिक, बाद में सेपरेट क्लिनिक और बाद में स्पेशलिटी क्लिनिक। सबसे पहला क्या है बोलो देखे, सबसे पहला क्या है बोलो फटाफट, क्या है सबसे पहला, अरे बोलो जनरल क्लिनिक, दूसरा सेपरेट क्लिनिक, तीसरा स्पेशलिटी क्लिनिक। सबसे पहला बोलो जनरल क्लिनिक, दूसरा सेपरेट क्लिनिक और बाद में स्पेशलिटी क्लिनिक। उसके बाद में अपन देख रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहले अपन जनरल क्लिनिक के बारे में देख रहे हैं कि जनरल क्लिनिक्स कौन कौन से होते हैं। अपन ने क्लिनिक के टाइप पढ़ लिए हैं, अब अपन इसके अंदर देख रहे हैं कि आपने बोला एक जनरल क्लिनिक होता है, तो जनरल क्लिनिक कौन सा होता है। तो जनरल क्लिनिक वो होता है एनी पर्सन कैन बी अटेंडेंट विथ एनी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम दीज आर मोर कन्वीनियंटली बिकॉज, यानी कि एनी पर्सन कैन बी अटेंडेंट विथ एनी टाइप ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। जनरल क्या होता है आपको पता है, जनरल के अंदर क्या होते हैं, सामान्य, सामान्य यानी कि जो सामान्य जितने भी केसेस होते हैं, जनरल जितनी भी चीजें, जनरली जो केसेस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, जनरल क्लिनिक के अंदर। जैसे आपका सर्दी जुकाम हो गए ये सब, तो जनरल क्लिनिक के अंदर होते हैं अटेंडेंट विथ एनी टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जनरल क्लिनिक के अंदर किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम वाले पेशेंट आ सकते हैं, जनरल के अंदर सारे आते हैं, किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम वाले पेशेंट जनरल क्लिनिक के अंदर आ सकते हैं। ऑल क्लाइंट्स कैन बी डील्ड विद एट द सेम टाइम, और सारे क्लाइंट को क्या है एक टाइम के अंदर डील किया जाता है। जैसे प्रेग्नेंट मदर, माल न्यूरिस्ट चाइल्ड, फादर हैविंग फीवर, ग्रांड मदर हैविंग इंडाइजेशन, दे ऑल ऑफ द टुगेदर कैन अटेंड द सेम क्लिनिक। यानी कि ऐसे नहीं है, जनरल क्लिनिक के अंदर क्या होते हैं सभी के लिए सेम, जनरल क्लिनिक के अंदर ऐसे नहीं है उनके लिए अलग वार्ड है, उनके लिए अलग वार्ड है, उनके लिए अलग वार्ड है। जनरल क्लिनिक के अंदर क्या आता है, सारी बीमारियों वाले पेशेंट आ सकते हैं, हर जो पेशेंट, हर तरह का पेशेंट है वो जनरल क्लिनिक के अंदर आ सकता है। दूसरा क्या है कि जनरल क्लिनिक के अंदर ऐसे नहीं है कि आपके लिए अलग कुछ कंपार्टमेंट बना हुआ होगा, आपके लिए अलग कुछ कंपार्टमेंट बना होगा, आपके लिए अलग कुछ कंपार्टमेंट बना हुआ होगा, आपको अलग टाइम केयर दी जाएगी, आपको अलग टाइम केयर दी जाती है, यानी सेम टाइम सेम जगह, क्या आगे वो वाली लाइन आपको आगे गाना नहीं याद करना है, सेम टाइम सेम जगह वाला क्या है कि उनको सेम टाइम पे एक ही जगह पे उनको साथ साथ में क्या है केयर दी जाती है। चाहे वो आपकी प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, चाहे माल न्यूरिस्ट चाइल्ड हो गया, चाहे फादर हैविंग फीवर, चाहे एक फादर को फीवर है, चाहे आपकी ग्रांड मदर हैविंग इंडाइजेशन, ग्रांड मदर को इंडाइजेशन है, ये सारे के सारे क्या आते हैं सेम क्लिनिक। यानी कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो गई, चाहे वो फ्रैक्चर का पेशेंट हो गया, चाहे वो इंडाइजेशन का पेशेंट हो गया, चाहे माल न्यूट्रिशन का पेशेंट हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, जनरल क्लिनिक के अंदर आते हैं। इसके बाद में अपन देख रहे हैं क्या सेपरेट क्लिनिक, कौन सा क्लिनिक, सेपरेट क्लिनिक, कि सेपरेट क्लिनिक कौन सा होता है, सेपरेट क्लिनिक आप किसको बोलते हो। जनरल क्लिनिक के अंदर सारे के सारे टाइप के पेशेंट आते हैं, और सेपरेट क्लिनिक के अंदर कौन कौन से टाइप के पेशेंट होते हैं वो अपन देख रहे हैं। तो हियर आर ए नंबर ऑफ सेपरेट क्लिनिक्स रन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, यानी कि जो आपके सेपरेट क्लिनिक होते हैं ना वो भी बहुत सारे होते हैं, कितने होते हैं बहुत सारे होते हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लिनिक्स इज यूज्ड वेयर एक्सेस इज वेरी इजी एंड क्लाइंट नंबर इज वेरी लार्ज। सेपरेट क्लिनिक तब बनाया जाता है जब वहां पे क्लाइंट बहुत ज्यादा होते हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो उनके लिए क्या बना दिया जाता है, उसका उस बीमारी का एक सेपरेट क्लिनिक बना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपके जो अलग अलग सेपरेट क्लिनिक भी बने हुए होते हैं, सेपरेट क्लिनिक क्या है, नंबर ऑफ सेपरेट क्लिनिक डिफरेंट डेज ऑफ वीक दिस सिस्टम इज क्लिनिक इज यूज्ड वेयर एक्सेस इज वेरी इजी एंड क्लाइंट नंबर इज वेरी लार्ज। यानी कि
ऐसा हो कि क्लाइंट के नंबर वहां पे बहुत ज्यादा है ना उस बीमारी, वो जो आपने जो सेपरेट क्लिनिक बनाया, अलग अलग तरह का जो क्लिनिक बनाया है वहां पे, वो जिनको जरूरत है ना उन क्लिनिक की, वो क्या है वहां पे उनकी संख्या बहुत ज्यादा और उनको इजीली वो क्लिनिक मिल सके। तो सेपरेट क्लिनिक कौन से होते हैं आपका? एंटीनेटल क्लिनिक, पोस्टनेटल क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक, फैमिली वेलफेयर क्लिनिक और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक, जिसको आप क्या बोलते हो RCH क्लिनिक। तो कौन कौन सा होता है आपका सेपरेट क्लिनिक? एंटीनेटल क्लिनिक कौन सा होता है? अरे बोलो कौन सा होता है एंटीनेटल क्लिनिक? सेपरेट के अंदर, जनरल के अंदर तो कौन से आएंगे? जनरल के अंदर तो सारे आते हैं, चाहे वो फीवर का हो गया, चाहे इनडाइजेशन का हो गया, चाहे माल न्यूट्रिशन का हो गया, ये सब सारे आते हैं। सेपरेट के अंदर क्या होता है, उनका एक सेपरेट क्लिनिक बना होता है, जैसे एंटीनेटल विजिट के लिए अलग बना हुआ है, तो जैसे आपका एंटीनेटल क्लिनिक हो गया, पोस्टनेटल हो गया, अंडर 5 क्लिनिक हो गया, फैमिली वेलफेयर क्लिनिक हो गया, RCH क्लिनिक हो गया। तो कौन कौन से होते हैं बोलो, सेपरेट क्लिनिक कौन कौन से आते हैं? अरे बोलो बोलो फटाफट, ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। सबसे पहला कौन सा है? एंटीनेटल क्लिनिक, बोलो एंटीनेटल क्लिनिक, आगे पोस्टनेटल क्लिनिक और अंडर 5 क्लिनिक और फैमिली वेलफेयर क्लिनिक और RCH क्लिनिक। उसके बाद में अपन देख रहे हैं स्पेशलिटी क्लिनिक। क्या स्पेशलिटी क्लिनिक? या फिर एक विशेष तरह के क्लिनिक, कौन से? स्पेशलिटी क्लिनिक, यानी कि दीज प्रोवाइड मेडिकल एंड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं मेडिकल सर्विसेज? एक जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर होता है ना, एक स्पेशल तरह का डिसऑर्डर होता है ना, जैसे अलग अलग स्पेशल डिसऑर्डर के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए, यहाँ पे इस कोविड का है, यहाँ पे इसका है, यहाँ पे इसका, मतलब एक अलग स्पेशली स्पेशल किसी डिजीज के लिए क्लिनिक बनाया हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते हो आप? स्पेशलिटी क्लिनिक बोलते हो। जनरल क्लिनिक किसके लिए, किसको बोलते हो? जनरल क्लिनिक के अंदर सारे एक साथ आ जाते हैं, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो गया, चाहे वो फीवर हो गया, इनडाइजेशन का हो गया, अपेंडिक्स का हो गया, ये सब सारे जनरल में सारे आ जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हो गई। और आपके सेपरेट में क्या होता है, एक सेपरेट क्लिनिक बनाया होता है इनके लिए, ये जैसे एंटीनेटल विजिट के लिए, पोस्टनेटल विजिट के लिए, RCH के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए, अंडर 5 के लिए, वो आपका क्या हो गया, सेपरेट क्लिनिक हो गया। अब स्पेशल क्लिनिक क्या होता है कि एक स्पेशल डिसऑर्डर के लिए, कि उसके अंदर उस डिसऑर्डर के ही इंसान होंगे, ऐसे स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए होता है दीज क्लिनिक आर रन बाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड नर्सेस। और वहां पे क्या है, स्पेस जनरल क्लिनिक के अंदर तो क्या है, जैसे फिजिशियन हो गया, यहाँ पे क्या है स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड स्पेशलिस्ट, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे TB क्लिनिक हो गया, डायबिटीज क्लिनिक हो गया, STD क्लिनिक हो गया, न्यूट्रिशन क्लिनिक हो गया, कार्डियक क्लिनिक हो गया, चेस्ट क्लिनिक हो गया। सबसे पहला क्या है आपका, अरे बोलो कौन सा है? TB क्लिनिक, डायबिटीज क्लिनिक, STD क्लिनिक, न्यूट्रिशन क्लिनिक, कार्डियक क्लिनिक और चेस्ट क्लिनिक। सबसे पहला क्या है बोलो आप साथ साथ में, क्या है सबसे पहला? अरे बोलो फटाफट, TB क्लिनिक, दूसरा डायबिटीज क्लिनिक, उसके बाद में STD क्लिनिक, न्यूट्रिशन क्लिनिक, कार्डियक क्लिनिक और चेस्ट क्लिनिक। उसके बाद में आपके क्या है, फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, एक जो आपकी क्लिनिक सेटिंग होती है उसके अंदर जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला क्या फंक्शन है, सेटिंग अप द क्लिनिक एंड अरेंजिंग इक्विपमेंट एंड सप्लाई। एक तो क्या करना है आपको, जो क्लिनिक है उसकी सेटिंग करनी है कि कहाँ पे क्लिनिक होता है और क्या करना है उसके अंदर, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या सप्लाईज चाहिए, ये सब क्या है, ये भी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ही काम होता है कि कौन कौन सी सप्लाईज चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। तो जैसे ये कौन सा रोल हो गया बोलो, देखे एज ए मैनेजर, जैसे मैनेजर की तरह एक रोल हो गया। दूसरा क्या है, प्लेसमेंट ऑफ हेल्थ वर्कर्स एट ए पर्टिकुलर सर्विसेज एरिया एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली, कौन सा हो गया, ये भी जैसे एक मैनेजर का काम ही हो गया। जैसे जिस जगह है पे, जिस जैसे TB क्लिनिक के अंदर
जो टीबी के अंदर जो बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं उन नर्सिंग की ऑफिसर्स की जरूरत है, तो वहाँ पे उन नर्सिंग ऑफिसर्स को लगाना, तो जैसे उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या है, लोगों को उनको प्लेस देना कि आप यहाँ पे काम करो, आप यहाँ पे काम करो, तो ये सब स्टाफ का क्या है, स्टाफ की जैसे ड्यूटीज लगाना, ये सब भी क्या काम है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ही काम है। असेसमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट, जैसे कि आपके केयर गिवर का काम हो गया, जैसे केयर गिवर का काम करती है, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के असेसमेंट का काम करती, करने काम भी करती है। प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड नर्सिंग केयर, जरूरत के अकॉर्डिंग उनको नर्सिंग केयर देने का काम भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का होता है। गिविंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट एंड फैमिली मेंबर, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस यानी कि क्या दे रही है, एजुकेशन दे रही है फैमिली मेंबर और पेशेंट को, क्या कर रही है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तो सबसे पहला तो क्या होता है, जैसे एज ए मैनेजर का रोल, जैसे जो कम हेल्थ आपके क्लिनिक होती हैं उनका जगह डिसाइड करना, कौन कौन सी सप्लाईज चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, स्टाफ का प्लेसमेंट करना कि कौन से स्टाफ को किस जगह पे लगाना है, हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करना, नीड के अकॉर्डिंग केयर देना, और जो फैमिली मेम्बर को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देना एजुकेशन। उसके बाद में क्या है, कंडक्टिंग हेल्थ एजुकेशन सेशंस एज नीडेड, हेल्थ एजुकेशन जो अपन ना जन्म सिद्ध अधिकार है, जो अपन हर जगह देखे आते हैं, तो क्या करना, एक आपको हेल्थ एजुकेशन देने का काम भी किसका होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का होता है। क्या, हेल्थ एजुकेशन देने का काम भी किसका होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ही होता है। तो हेल्थ एजुकेशन देने का काम हो गया, जैसे हेल्थ एजुकेशन देने का काम करती है, असिस्टिंग द डॉक्टर क्या करती है, डॉक्टर को असिस्ट करने का काम करती है, जैसे आपका कोलाबरेटर का काम हो गया, डॉक्टर को असिस्ट करने का काम, हेल्थ एजुकेशन तो अपन देखे ही आएंगे, डॉक्टर को असिस्ट करने का काम भी करती है। सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स, गाइड जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनका सुपरविजन भी करती है, उनको गाइडेंस भी देती है, सुपरविजन भी करती है और गाइडेंस भी करती है, जैसे एज ए सुपरवाइजर काम हो गया, एज ए गाइडर का काम हो गया, सुपरविजन भी देती है, गाइडेंस भी देती है। मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, हेल्थ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर यानी कि रिकॉर्डिंग का काम भी करती है, हेल्थ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर का काम भी करती है। मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग हेल्थ रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड एंड रिपोर्ट द क्लिनिक हेल्थ सर्विसेज, और जो रिकॉर्ड है उनको कैसे, नहीं वो रिकॉर्ड आज काम में आ गया उसको फेंक दिया, आप सबको पता है जो मेडिको लीगल केसेज के जो रिकॉर्ड होते हैं वो 10 साल तक क्या है स्टोर रहते हैं, और ये क्या है, सीएससी में आपका एक कंपिटिशन है उसका क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। तो क्या है कि जो हेल्थ रिकॉर्ड है उनको स्टोर करके भी रखती है, हेल्पिंग इन प्रमोटिंग गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के भी रखती है। तो क्या है, एक तो क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, डॉक्टर को असिस्ट करने का काम करती है, सुपरविजन करने का काम करती है, हेल्थ रिकॉर्ड को मॉनिटर करती है, हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन रखती है, और क्या है, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट को प्रमोट करती है। और यहाँ पे मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था कि जो आपके एमएलसी जो केसेज होते हैं, एमएलसी केसेज कौन से, जो मेडिको लीगल जो केसेज होते हैं उनका डाटा कितने साल तक स्टोर रखता है हॉस्पिटल, 10 साल तक स्टोर रखता है। ये क्या है आपका कंपटीशन का क्वेश्चन, यहीं पे याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आता है। एमएलसी रिकॉर्ड कितने साल तक रखता है, 10 साल तक, 10 साल तक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार अपन इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा कि क्लिनिक सेटिंग, क्या पढ़ा है आज की क्लास में अपन ने, क्लिनिक सेटिंग की, क्लिनिक क्या होते हैं, तो क्या होते हैं भाई क्लिनिक, बोलो देखे क्या होता है क्लिनिक। क्लिनिक के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो क्लिनिक होता है वो एक ऐसी जगह होती है, क्लिनिक क्या है, क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे, क्लिनिक एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है वहाँ पे क्या है, फैमिली हो गई, फैमिली या फिर फैमिली के मेंबर आते हैं हेल्थ केयर टीम के पास में, किसके लिए, मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को पाने के लिए आते हैं। एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फैमिली या फिर फैमिली के मेंबर्स क्या है, हेल्थ या हेल्थ से रिलेटेड क्या केयर लेने के लिए, जो कम्युनिटी सॉरी जो हेल्थ केयर टीम के मेंबर होते हैं उनके पास ही आते हैं।
जैसे क्लिनिक बहुत सारी जगह पे होते हैं, कौन कौन सी जगह पे होते हैं? जैसे आपका सब सेंटर एक तरह का क्लिनिक हो गया, सब सेंटर हो गया, सब सेंटर पीएचसी सीएचसी, आपके स्कूल के अंदर भी जैसे स्कूल हेल्थ क्लिनिक बनाया हुआ होता है आपका, जैसे अंडर 5 क्लिनिक हो गया, फैमिली वेलफेयर क्लिनिक हो गया, ये सब क्लिनिक होते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था रीजन फॉर क्लिनिक की क्या जरूरत पड़ गई कि क्लिनिक बनाना पड़ा, क्लिनिक की क्या जरूरत पड़ गई। एक तो जब पीपल्स को फेल्ट हो, जब इंसान को जरूरत महसूस हो तब उसको क्या है केयर दे सके। दूसरा क्या है, जो पीपल्स है उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम उनको केयर दे सकते हैं। उसके बाद में क्या है, अपन ने देखा था टाइप ऑफ क्लिनिक की, क्लिनिक के कितने टाइप होते हैं, तो बोलो देखे कितने टाइप होते हैं भाई, बोलो पढ़ के ही बोल दो कम से कम। सबसे पहला क्या है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। सबसे पहला क्या है बोलो देखे, कौन सा? जनरल क्लिनिक। कौन सा? जनरल क्लिनिक, सेपरेट क्लिनिक और स्पेशलिटी क्लिनिक। जनरल क्लिनिक, सेपरेट क्लिनिक और स्पेशलिटी क्लिनिक। कौन सा? जनरल क्लिनिक, सेपरेट क्लिनिक और स्पेशलिटी क्लिनिक। उसके बाद में आपका क्या है, जनरल क्लिनिक। क्या है? जनरल क्लिनिक। और जनरल क्लिनिक क्या होता है, एनी पर्सन कैन बी अटेंडेंट विथ एनी टाइप ऑफ हेल्थ पर्सन, कि जनरल क्लिनिक के अंदर किसी भी बीमारी के पेशेंट आ सकते हैं, कोई भी पेशेंट जो हेल्थ केयर नीड को अटेंड करने के लिए आ सकता है। जनरल के अंदर जनरल पेशेंट होते हैं, कोई भी पेशेंट आ सकता है। सारे पेशेंट को यह क्या है, सेम टाइम सेम जगह एक जगह ही सबको क्या है एक साथ केयर दी जाती है एक टाइम में। जैसे चाहे वो आपकी प्रेग्नेंट मदर हो गई, चाहे प्रेग्नेंट मदर हो गई, माल न्यूरिस्ट वाले हो गए, फीवर का पेशेंट हो गया, इंडाइजेशन का पेशेंट हो गया, वोमिटिंग का पेशेंट हो गया, डायरिया का हो गया, फ्रैक्चर का हो गया, ये सारे के सारे क्या है जनरल क्लिनिक के अंदर आते हैं। दूसरा अपने क्या पढ़ा था, सेपरेट क्लिनिक। क्या पढ़ा था? सेपरेट क्लिनिक। सेपरेट क्लिनिक क्या होता है कि कुछ कुछ जो पीपुल्स होते हैं, जैसे जिस चीज से रिलेटेड, जैसे पीपुल्स बहुत ज्यादा है और उनके लिए क्या है एक सेपरेटली क्लिनिक बना देते हैं। जैसे आपका एंटीनेटल हो गया, पोस्टनेटल हो गया, अंडर 5 क्लिनिक हो गया, फैमिली वेलफेयर क्लिनिक हो गया और आरसीएच क्लिनिक हो गया। कौन कौन से? एंटीनेटल विजिट वाला, एंटीनेटल क्लिनिक, पोस्टनेटल क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक, फैमिली वेलफेयर क्लिनिक और आरसीएच क्लिनिक। उसके बाद में आपका होता है स्पेशलिटी क्लिनिक। कौन सा? स्पेशलिटी क्लिनिक, यानी कि किसी स्पेशल डिसऑर्डर के लिए बनाया हुआ क्लिनिक होता है। स्पेशल डिसऑर्डर के लिए जैसे आपका टीबी क्लिनिक हो गया, डायबिटीज क्लिनिक हो गया, एसटीडी क्लिनिक हो गया, न्यूट्रिशन क्लिनिक हो गया, कार्डियक चेस्ट क्लिनिक हो गया। कौन सा? टीबी, डायबिटीज, एसटीडी, चेस्ट, कार्डियक, ये सारे हो गए। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़े थे कि नर्स के क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहले तो क्या करती है, क्लिनिक की सेटिंग करने का काम होता है, इक्विपमेंट सप्लाईज का काम होता है, हेल्थ वर्कर्स का ड्यूटी असाइन करने का काम होता है, पेशेंट का हेल्थ स्टेटस देखती है, पेशेंट की नीड्स का फाइंड आउट करती है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देने का काम करती है। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन देने का काम करती है, डॉक्टर को असिस्ट करने का काम करती है, सुपरविजन गाइडेंस देती है, हेल्थ रिकॉर्ड्स को मॉनिटर करती है, उनको मेंटेन भी करती है और गुड प्रमोटिंग एनवायरनमेंट रखती है। तो थैंक यू, अपनी यूनिट भी अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो थैंक यू, अपनी जो यूनिट है 6th यूनिट वो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो थैंक ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू।